दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति या कोई समूह, कोई परिवार भारत की खबरों के लिए, भारत में क्या हो रहा है इसकी जानकारी के लिए अगर सिर्फ टेलीविजन चैनल देख रहा होगा, तो उसको क्या भारत के बारे में जानकारी मिलेगी कि इस वक्त भारत कहां खड़ा है, भारत में क्या हो रहा है, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जनता की, समाज की, राजनेताओं की, सरकार के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है। उसको लगेगा कि सिर्फ मुंबई में कुछ अभिनेत्रियों के बीच जो बतरस चल रहा है, जो 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 एक दूसरे पर बातें कही जा रही हैं, और जो एक बिल्डिंग के एक छोटे से पोर्शन का जो डिमोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ, सिर्फ वही मसला है। ये लगेगा कि शिवसेना बनाम कंगना रनावत, कंगना रनावत बनाम राखी सावंत, इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है टेलीविजन चैनल पर। तो ये क्यों है? अब जैसे हमारी सरकार, हमारी जो सत्ता है, वह भी चाहती है कि खबर ऐसी ही दिखे। वो कोविड 19 से देश की क्या हालत है ये क्यों बताना चाहेगी? जिस वक्त अपने देश में कोविड 19 को लेकर हालात इतने खतरनाक नहीं थे, उस वक्त देश बंद कर दिया गया था। आप मजदूरों की आपने तबाही देखी होगी, लेकिन अब जबकि सब कुछ अनलॉक है, हम दुनिया में सबसे अधिक पर डे संक्रमण जहां हो रहा है उस देश में शुमार हो चुके हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं पर डे। यह संख्या हो सकता है 1,00,000 तक पहुंच जाए। अभी 97,000 98,000 के बीच में चल रही है, और पूरे देश में जो टोटल संक्रमित लोग हैं उनकी जो आधिकारिक संख्या है, आधिकारिक मैं कह रहा हूं, वो 46 लाख से 47 लाख के बीच पहुंच रही है, और मौतों की संख्या 77,000 पार कर चुकी है। तो हमारा ये कहना है कि इस वक्त अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब दुनिया के जो और जो यूरोप के एडवांस देश हैं, उनके यहां तो आबादी बहुत कम है, इसलिए उनके यहां का अगर आंकड़ा आप मिलाइए तो हमारे यहां हालात उतने खराब नहीं है। जनाब, आपके यहां आधिकारिक आंकड़े जो हैं वह भी इतने भयावह हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस देश में वायरस ने सबसे पहले अटैक किया 2019 के नवंबर में, चीन, जिसकी आबादी आपसे ज्यादा है, यूरोप के किसी देश से आप तुलना मत कीजिए, आप चीन से तुलना कीजिए। चीन में नवंबर 2019 से लेकर अब तक टोटल जितने लोग संक्रमित कोविड 19 से हुए, उतने आपके यहां पर डे, उससे भी ज्यादा आपके यहां पर डे हो रहे हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, उनके यहां 4,600 कुछ लोग मरे टोटल, और आपके यहां 77,000-78,000 के बीच में आंकड़ा है, और ये आधिकारिक आंकड़ा है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए कि कितना भयावह, कितनी भयावह तस्वीर है। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? राखी सावंत और कंगना रनावत के बीच में ट्विटर युद्ध या इंस्टाग्राम या कोई बयानबाजी क्या है कि भाई एक पोर्शन एक बिल्डिंग का धराशायी किया गया, वो हो सकता है गलत हो। बहुत सारे लोगों के मकान दर मकान डिमोलिश कर दिए जाते हैं इस देश में। नियम कानून क्या है आप जानते हैं? इस देश में क्या नियम कानून है, अनेक लोगों के साथ क्या क्या गुजरती है, आदिवासियों, दलितों, गरीबों के प्रति। अब यहां तो हजारों लोग रेलवे लाइन के बगल में जो बसे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनको उजाड़ा जा रहा है, और वो भी कोर्ट के आदेश पर। ये तो अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया है। अब तो हमारा ये कहना है कि ये क्यों हो रहा है। अब इस समय सरकार बता रही है कर्नाटक में भी, मुंबई में भी, और हर जगह की सबसे बड़ी समस्या क्या बनने जा रही है? ड्रग माफिया की। इस समय ड्रग माफिया सबसे बड़ी समस्या है। बेकारी नहीं, बेहाली नहीं, कोविड 19 से तबाही नहीं, आर्थिक बदहाली नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ड्रग की है।
अरे कितने लोग ड्रग की समस्या से ग्रस्त है, यहां तो भोजन नहीं मिल रहा है, यहां तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका व्यापार लूट रहा है, और आप कह रहे हैं ड्रग ड्रग किन की समस्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज तो वक्त नहीं है वो बात करने का। और सत्ता बिल्कुल खामोश हो गई है। सत्ता आमतौर पर कभी कभी बयानबाजी करती है, सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से, बड़े मंत्रियों की तरफ से बीच बीच में कभी कभी बयान आ रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ टेलीविजन अपनी तरफ से पेश करता है, बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है। इस प्रयोग का कोई जवाब नहीं कि कोई मंत्री सामने नहीं आता, कोई सरकार का बड़ा ओहदेदार सामने नहीं आता, सब कुछ टेलीविजन चैनल अपनी ओर से पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि वही प्रवक्ता बन गए हैं, वही सब कुछ है, वही सरकार है, वही प्रशासन है, इससे बढ़िया क्या होगा। तो दोस्तों, इसलिए इस टेलीविजन को आप मीडिया अगर समझते हैं तो आप भूल जाइए, यह मीडिया नहीं है। इसको अच्छा मीडिया बुरा मीडिया नहीं कह सकते, इसको गोदी मीडिया भी अब शायद नहीं कह सकते, फिर आप क्या कहेंगे। मेरे को तो लगता है कि ये टीवी पूरम है, ये ऐसा टीवी पूरम है जहां सब कुछ एक प्रयोगशाला की तरह सब कुछ जहां तैयार किया जा रहा है, लोगों के दिमागों में क्या भरना है, लोगों के दिमागों से किस किन चीजों को गायब कर देना है, लोगों को क्या समझाना है, लोगों को क्या बताना है, लोगों के लिए खबर क्या बनानी है, और देश को कैसे समझाना है कि उसकी सबसे बड़ी खबर बाढ़ में डूबते हुए गांव नहीं है, उसकी सबसे खबर सबसे बड़ी खबर उसके पड़ोस में उसके घर में मरते हुए लोग नहीं है, अस्पतालों में दवा की कमी, डॉक्टर की कमी या बेहाली बदहाली, ये कुछ खबर नहीं है। खबर है सुशांत सिंह के मामला, खबर है ड्रग का मामला, खबर है कि बॉलीवुड में ज्यादा से ज्यादा जो एक्टर हैं वो सारे के सारे ड्रग लेते हैं। अरे भाई, ड्रग कब नहीं समस्या थी, ये तो उस समय भी समस्या थी जब बीजेपी के एक बड़े महाबली नेता जिनको उन्हीं के भाई ने गोली मार दी थी और उनका बेटा जिस हालत में देखा गया, कोई नाम भूल रहा है मुझे, वो भी सुना है कि टेलीविजन चैनलों के किसी सीरियल वगैरह में काम करते थे, बाद में पता नहीं क्या करने लगे, तो ड्रग वहां भी सामने आया था, ड्रग तो बहुतों के मामले में सामने आया था। लेकिन अब कर्नाटक सरकार भी ड्रग पर काम कर रही है इन दिनों, और मुंबई में जो केंद्र सरकार है वो भी अपना यहां से दिल्ली से पूरा जो उनका ब्यूरो है नार्कोटिक्स का, उसके बड़े अफसरों को लगातार भेज रही है कि पता करो बॉलीवुड में कौन ड्रग लेता है, क्यों लेता है। तो हमारा कहना है कि ड्रग कितने लोगों की समस्या है भाई, लेकिन रोटी की समस्या पर आप नहीं जाएंगे। जो लोग रोटी की कमी से, रोटी के अभाव में आत्महत्या तक कर दे रहे हैं परिवार, जिनके व्यापार चौपट हो गए, जिनकी नौकरियां खत्म कर दी गई, जिनके कारखाने काम नहीं कर रहे हैं, आपने कहा मझोले और छोटे उद्योगों को खड़ा कर देंगे, वो खड़ा होने की स्थिति में क्या हो, तो नेस्तनाबूद हो गए हैं। तो हमारा यह कहना है कि कोविड 19 के इस दौर में जब हमारी अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ पहुंच गई है, पूरी दुनिया में बड़े मुल्कों में खासकर जिनकी इकोनॉमी ठीक ठाक मानी जाती रही है उसमें 23.9% शून्य से नीचे गिरने वाली अर्थव्यवस्था हमारी है, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम यही करेंगे, हम पूरे देश को उलझा देंगे कंगना रनावत और राखी सावंत में, हम पूरे देश को उलझा देंगे कि कौन ड्रग लेता है कौन ड्रग नहीं लेता है, और जो आपकी लाइन पर काम नहीं करेगा उस पर कोई और मुकदमा कर देंगे, उसको कहीं और फंसा देंगे। आखिर ये देश कहां जा रहा है। और टेलीविजन, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो मीडिया का हिस्सा अब नहीं रह गया है, वह टीवी पुरम है, और टीवी पुरम जिस तरह से अब वहां पर ये भी हो रहा है कि टीआरपी किसकी ज्यादा है, किसकी रेटिंग ज्यादा है, जो लोग बहुत पीछे थे और जो सबसे तेज चैनल था, सबसे तेज चलने वाला, वो अभी सत्ता के ही गुण गाता है, सत्ता के ही भजन गाता है, लेकिन अब वो पीछे हो गया है। और बार्क जो रेटिंग एजेंसी है, जो जो ये टेलीविजन चैनलों के रेटिंग का निर्धारण करती है, वो इस देश में 40 से लेकर 45,000 टोटल मीटर हैं, और वहां से तय हो जाता है कि किसको सबसे अधिक विज्ञापन मिलना चाहिए, नंबर 1 कौन चैनल है, नंबर 2 कौन चैनल है,
और नफरत के कारोबार में जो लगे चैनल हैं उनको भी मिनिस्ट्री कह देती है कि हाँ जी आप प्रोग्राम अपना दिखा सकते हैं कि मुसलमान कैसे पब्लिक सर्विस जो कमीशन है यूपीएससी है उसमें कैसे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। इन्फिल्ट्रेट क्या शब्द है, आई मीन सरकार तक कह रही है और अब सुना है कि उसको ग्रीन झंडी हरी झंडी मिलने वाली है या मिल गई है। तो ये हालात इस देश के मीडिया के हैं। अब आप कहेंगे ये मीडिया है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों इसको टीवी पुरम कहिए, ये राजनीतिक औजार है आपके दिमाग को बदलने का, आपको अज्ञान में डूबोने का, ताकि आप देश को भूल जाएं, समाज को भूल जाएं, अपनी गुर्बत भूल जाएं, अपनी बीमारी, अपनी बेहाली, अपनी तमाम जो बद इंतजामी है सब भूल जाएं। डेमोक्रेसी, समाज, देश रसातल में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता बुलंद रहे, लोग बुलंद रहे, चंद लोग और अन्य लोग बेहाल होते रहे, लुटता रहा है पूरा का पूरा हमारा सार्वजनिक उपक्रम, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी पुरम आपको सिर्फ दिखाएगा मुंबई की कहानी या ड्रग की कहानी या ऐसी कोई कहानी जिसका ज्यादा मतलब नहीं होगा देश से, देश के लोगों से। तो इन शब्दों के साथ आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।